नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, साउथ मुखी अर्थात दक्षिण दिशा के जो घर बनाने वाले हैं उन्हें क्या क्या चीज़ सावधानियां रखना है, अर्थात आज जो हम विषय ले रहे हैं अगर उसका नैऋत्य कोण बढ़ा हुआ है या कटा हुआ है तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, इसी का विश्लेषण करने जा रहे हैं। कोई भी दिशा में आप घर बनाएं, सबसे पहले सावधानी रखना है कि सभी भुजाएं उसकी समकोण हो। सब भुजा अगर समकोण है तो प्रॉपर जो एनर्जी है उसका फ्लो सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा और आपके जीवन में वो पॉजिटिव जो है प्रभाव देगा। जब पॉजिटिव प्रभाव देगा तो परिणाम पॉजिटिव आएंगे। तो इस चीज को समझना बहुत ही बारीकी से आवश्यक है। अब हम देखें कि नैऋत्य कोण का कोना अगर बढ़ा हुआ है, अर्थात 90 डिग्री माइनस है, 90 डिग्री प्रॉपर वो नहीं है, तो क्या क्या प्रभाव देगा। अगर नैऋत्य कोण अर्थात साउथ वेस्ट का कोण बढ़ा हुआ है, चाहे वो दक्षिण का वाल तरफ बढ़ा हो या पश्चिम के वाल बढ़ा हो, तो लेकिन इसका परिणाम दोनों का आना एक जैसा ही है, तो हम क्या करें, इसका शोधन क्या हो सकता है, इसका उपाय क्या हो सकता है, इसका जो हमको बुरे परिणाम से झेलना नहीं पड़े। सबसे पहली बात देखें कि अगर चार दिशा आपका है, चारों कोण है, चार भुजाओं के चारों कोण आपका बैलेंस है, अर्थात 90 डिग्री में है, तो 90 डिग्री का कोई भी एनर्जी सकारात्मक जो है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, सकारात्मक ऊर्जा होता है, उसका जो अंदर फ्लो होता है कॉस्मिक एनर्जी का, वह बिल्कुल पॉजिटिव होता है। उसमें अब रहने वाले व्यक्ति सभी लोग प्रभावित होते हैं। अगर वो एनर्जी अच्छा रहता है तो सभी को अच्छा परिणाम मिलता है। हेल्थ और वेल्थ और रिलेशन, तीन चीज पर हम चर्चा करेंगे। ये तीनों चीज आपका व्यवस्थित रहेगा। अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो ये तीनों चीज आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। जब तीनों चीज डिस्टर्ब हो गया तो जीवन में सुख शांति समृद्धि खत्म हो जाएगा। जब सुख शांति समृद्धि खत्म हो जाएगा तो जीवन जो सरल चल रहा था वो संघर्षमय जीवन चलने लगेगा, संघर्ष में व्यक्ति जीने लगेगा। जब संघर्ष में व्यक्ति जीने लगेगा तो छोटे छोटे काम के लिए उसे बहुत अधिक मेहनत करना पड़ेगा, बहुत जो है सो कार्य करना पड़ेगा, तभी जाकर के उसको परिणाम मिलेगा। तो जो माइनस डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री माइनस हो जाता है, उसका प्रभाव क्या होता है, इस चीज़ को हम देखें और इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे इसको देखेंगे। तो हम केवल आज नैऋत्य डिग्री का जो है, नैऋत्य कोण का बात कर रहे हैं, इसी पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये क्षेत्र जो है सो आपके लिए, यह क्षेत्र 225 डिग्री पर आता है। 225 डिग्री अगर समकोण स्थिति में है तो 225 डिग्री पर आएगा, और 225 डिग्री जो क्षेत्र है वहाँ हम देखें कि क्या कोई क्षेत्र बढ़ रहा है, कोई भुजा पड़ रहा है, अर्थात जो पश्चिम से आपकी भुजा आ रही है वो थोड़ा तिरछा तो नहीं हो गया, या दक्षिण से जो भुजा आ रही है वो थोड़ा तिरछा तो नहीं हो गया। अगर ऐसा होता है तो आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, आपकी एनर्जी फ्लो सही नहीं रहेगी, आपका एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगा। एक तो इधर डिस्टर्ब हो गया, ठीक उसका प्रभाव जो ईशान कोण है वह भी डिस्टर्ब हो जाता है। ईशान कोण भी आपकी, वहाँ की भी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, वायु कोण की भी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, और अग्नि कोण का भी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब चारों कोण का डिस्टर्ब हो गया एनर्जी, तो अच्छा परिणाम कैसे दे सकता है, इसी बारीकी को धीरे धीरे हम पर्दा उठा रहे हैं। दक्षिण मुखी के जितने भी प्लॉट हैं या जो भी क्वेश्चन हैं, या उस पर हम जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको एक एक चीज़ को हम बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से, प्रॉपर ढंग से हम उसको पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका WWS का क्षेत्र बढ़ा हुआ है, अर्थात पश्चिम दक्षिण का कोण बढ़ा हुआ है,
तो ये आपके घर से आपके घर में रिलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा, आपकी जो पूंजी घर में रखी हुई है वह भी हेल्थ में खर्च होने लगेगा, बिजनेस आपका डूबने लगेगा, बिजनेस में ग्रोथ नहीं होगा, जहाँ जो है माइनस पर जाएगा प्लस पे नहीं जाएगा, वहाँ जो रहने वाले व्यक्ति हैं अर्थात मुखिया वह डिस्टर्बेंस रहेगा, हो सकता है कि उनकी जो है अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, मृत्यु तक अकाल मृत्यु तक हो सकता है, तो इसको बहुत बारीकी से समझना आवश्यक है। अभी सबसे पहले वहाँ आप अपने इंजीनियर से या अगर मकान बनाने जा रहे हैं तो बात कर रहे हैं, तो वहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कि यहाँ गुनिया के आधार से आपको जो है कोण को व्यवस्थित करना आवश्यक है। गुनिया के आधार से अगर आप बनाते हैं तो जो खाली प्लॉट रह जाता है उस पर आप कुछ भी उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन वह चीज़ तो आपका ही रहेगा, कोई लेके तो नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप उस ज़मीन के लोभ में कि इतना ज़मीन मेरा बर्बाद चला जाएगा और आप ऐसा मकान बना लेते हैं तो आपको इसका खमियाजा बहुत ज़बरदस्त घातक परिणाम भोगना पड़ेगा। ये चीज़ को आपको समझना आवश्यक है कि नैरिक्त कोण ना तो बड़ा होना चाहिए ना कटा होना चाहिए। अब इन केस जिसका बना हुआ है वो क्या करेंगे, तो वहाँ गुनिया के हिसाब से आप जो है सो पूरा निकलवा दें, अर्थात अग्नि कोण से लेकर के नैरिक्त कोण और वायव कोण से लेकर के नैरिक्त कोण दोनों को गुनिया के हिसाब से 90 डिग्री पर लेकर के जाएं, और उसके निकलने के बाद एक तरफ आप पीले कलर का 4 इंची का कलर करवा दें या ग्रेनाइट लगवा दें या आप जो है सो वहाँ टेप चिपका दें। यह दक्षिण दिशा की बात हम कर रहे हैं, दक्षिण दिशा का भुजा जो बढ़ा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। अब पश्चिम दिशा के तरफ अगर भुजा आपका बढ़ा हुआ है तो वहाँ आप क्या करेंगे, तो वहाँ भी आपको पीले कलर का जो है सो पूरा यहाँ से वहाँ तक जो है सो कलर कर देना है। तो इस तरह से दोनों जोन बैलेंस हो जाएगा। अब दूसरा ट्रीटमेंट आप समझें कि वहाँ 90 अर्थात उसको 9 भाग में बांटेंगे, जो पद बढ़ा हुआ है 90 वहाँ से शुरू से लेकर के लास्ट तक में पिरामिड नीचे आप एक परत चूना लगा करके और बराबर भाग में आप 9 पिरामिड वहाँ रखें और फिर उसके बाद टाइल्स लगवा दें। तो ये पिरामिड ट्रीटमेंट हो गया। पिरामिड को चार्ज करना आवश्यक है। चार्ज करने के लिए आपको बता देते हैं कि धूप अगरबत्ती जल इत्यादि से दे करके मानसिक रूप से पूजन करें कि हे परमात्मा यह यंत्र या ये चीज़ हम लगाने जा रहे हैं, इसमें आप शक्ति दो एनर्जी दो ताकि हमारा जो है सो जो अव्यवस्थित है वह व्यवस्थित हो जाए। तो ये चीज़ करके अगर आप वहाँ लगाते हैं पिरामिड, क्योंकि हमसे संपर्क हम आपको कोई बेचने वाला हम है नहीं, हम आपको निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं, तो हमारा कोई ये कारोबार नहीं है कि मैं आपको पिरामिड बेच रहा हूँ या ये कर रहा हूँ। अब मार्केट से पिरामिड लें और लगाएं। हम आपको ट्रीटमेंट भी बताने जा रहे हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं, क्योंकि जन कल्याण मेरा परम उद्देश्य है। आर्थिक जो है सो अपने आप आता है उसके बाद, जब आप समृद्ध हैं तो आर्थिक जो है सो आपको आते जाएगा। तो आपके लिए भी हम बता रहे हैं कि यश जी व्यवस्थित करें, आर्थिक स्थिति अपने आप आपका व्यवस्थित हो जाएगा। ये दोनों क्षेत्र में दक्षिण के दीवाल में भी करना है और जो है पश्चिम का दीवाल उसमें भी करना है। वहाँ किसी प्रकार जल तत्व को हटा दें, बोरिंग है तो बिल्कुल बंद कर दें, आप पानी नहीं पियेंगे चलेगा, खरीद करके पिए चलेगा जब तक आप उस मकान में हैं, तो बोरिंग को क्लोज करवा दें, अंडरग्राउंड टैंक बिल्कुल भरवा दें, रेत इत्यादि पीला रेत से भरवा दें, उसको पूरा बराबर करवा दें। बिल्कुल सावधानी, हमने एक नहीं कई केसों में देखा हूं उसका घर उजड़ते हुए, तो बिल्कुल इसको सावधानी से जो मैं बता रहा हूं उस चीज़ को करें। इसमें कोई मरवत नहीं है, कोई आपको लेकुना नहीं है। मानते हैं तो आपके लिए है और नहीं मानते हैं तो बर्बादी तो आपका होना है।
मैं तो केवल शास्त्र की बात को बता सकते हैं। तो ये चीज आपको करना आवश्यक है। जहां भी आप लगाएं मोटा पर्दा लगाएं, कैसा आप जो है पीले कलर का, हल्का पीला कलर का उस क्षेत्र में पर्दा लगा दें जो आकर के कोण मिल जाए। नहीं होता है तो पूरा ग्लास का वाल बनवा करके जो है सो वहाँ व्यवस्थित कर दें। अर्थात एनर्जी आपका समकोण 90 डिग्री पर पॉजिटिव एनर्जी रनअप हो जाए। तो ये सारे चीज़ हम आपको सावधानियाँ बता दे रहे हैं, ये चीज़ को करें। सुंदर कांड का प्रत्येक शनिवार को पाठ करवाना उस घर में आवश्यक है जिस घर में ऐसा डिस्टर्बेंस है। तो ये सुंदर कांड का पाठ आप प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को करवाएं। नहीं होता है पंडित रख करके तो अपने से करवाएं। यह ऐसा एनर्जी है, एक घंटा सवा घंटा पूरे परिवार बैठ करके राम धुनि कर सकते हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। इससे एनर्जी आपका वाइब्रेट होगा, कॉस्मिक एनर्जी इसमें लाखों गुना अधिक कॉस्मिक एनर्जी होती है। आप समझें, आपको एक कहानी छोटी सी दो मिनट टाइम लेगा। जब अकबर ने तुलसीदास को पकड़ करके अपने दरबार में बुलाया तो बोला, अब तुम अपने राम की बात बताओ और उनकी शक्ति का प्रदर्शन करवाओ, मैं तो तुम्हारा कत्ल करने जा रहा हूं। बोला, राम तो छोड़ दो, उनका भक्त हनुमान ही हमारे लिए बहुत छोटी चीज से हो जाए तो बारह को बुलाने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने वहीं पर जो है हनुमान चालीसा की रचना की थी। तो वो चीज समझे बारीकी, अपनी जो संस्कृति है इस संस्कृति में अपने जो धर्म है, हम धर्म का कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे तो जितने भी अनुयायी हैं मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, सभी हैं। तो आप समझें कि जिससे जो चीज़ है, लेकिन वैदिक एनर्जी में, वैदिक शास्त्र में, वैदिक में, वेद में इतनी अधिक एनर्जी है, कुरान में इतनी एनर्जी है, आप जो है गुरु साहब ग्रंथ में इतनी एनर्जी है, केवल उसको अगर जीवन में आप उतारते हैं तो जीवन के सारे संकट आपको दूर हो सकते हैं। ये बारीकी से समझें। फिर हम अगले वीडियो में कभी जो है हनुमान चालीसा की शक्ति के बारे में बताएंगे, एक एक पद के बारे में। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इस चीज को हम आपको व्याख्यान करेंगे। अब हम सेवा भाव अगर रखते हैं, चाहे अपने मालिक के प्रति सेवा भाव नौकरी करते हैं तो, या अपने परिवार के, अपने देश के प्रति सेवा भाव रखेंगे तो आपका कल्याण होगा। गौ सेवा करें, ब्राह्मण सेवा करें, मानव सेवा करें, ये सबसे बड़ी सेवा है। आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।